धार्मिक नगरी में पर्वों पर मोक्षदायिनी शिप्रा में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। पुण्य की कामना से आए श्रद्धालुओं को यहाँ गंदे पानी में डुबकी लगाना पड़ती है। इसके लिए तय हुआ था कि पर्व स्नान के दौरान नर्मदा का जल शिप्रा में छोड़ा जाएगा, लेकिन पिछले कुछ पर्व स्नान के दौरान देखने में आ रहा है कि इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। ऐसा ही कार्तिक पूर्णिमा पर भी किया गया। हजारों लोग शिप्रा के ठहरे और प्रदूषित पानी में स्नान करते रहे। कार्तिक मास में पावन नदियों में स्नान और दीप दान का विशेष महत्व है। कई श्रद्धालु तो पूरे महीने ही स्नान करते हैं। धार्मिक नगरी में देव उठनी एकादशी से ही श्रद्धालुओं का आगमन शुरू हो गया था। पिछले 3 दिनों से तो श्रद्धालुओं की भीड़ शिप्रा के सभी घाटों पर उमड़ती रही, लेकिन पीएचई ने शिप्रा में नर्मदा का जल नहीं छोड़ा। इससे श्रद्धालुओं को गंदे पानी में ही स्नान करना पड़ा, लेकिन जिम्मेदारों ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। शहर से 5 किलोमीटर दूर स्थित श्री काल भैरव मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ की अव्यवस्थाएं उन्हें झेलना पड़ती है। जिम्मेदार भी लापरवाह बने हुए हैं। यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच हो रही धक्का मुक्की से किसी भी दिन गंभीर हादसा हो सकता है। रविवार को भी एक महिला गिरकर चोटिल हो गई थी। काल भैरव मंदिर में निर्गम और प्रवेश द्वार एक ही होने से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। वहीं यहाँ पर कतार भी लगाने के लिए सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं रहते हैं, जिससे धक्का मुक्की भी होती है। बताया जाता है कि जिनके यहाँ पर ड्यूटी लगी है वे ही देर से पहुँचते हैं और व्यवस्था बनाने की बजाय इधर उधर टहलते रहते हैं। मंदिर समिति में एक प्रशासक, एक प्रबंधक और 5 कर्मचारी हैं, वहीं 5 गार्ड और सफाई कर्मचारी भी हैं। इसके बाद भी यहाँ पर व्यवस्था बिगड़ी हुई है। न तो पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है और न ही वॉशरूम के इंतजाम। पार्किंग भी निजी हाथों में है, जिससे आए दिन विवाद होते रहते हैं। 1 नवंबर से शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर लक्ष्मी नगर में शुरू हुए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आज समापन हो गया। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर महाराज के सानिध्य में बुधवार सुबह अभिषेक, शांति धारा, नित्य नियम की पूजा एवं विश्व शांति महायज्ञ के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। शाम को आनंद यात्रा व जिनेन्द्र भक्ति होगी। विधानाचार्य नितिन झांझरी के निर्देशन और जैन समाज के सहयोग से श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में उत्साह के साथ 1 नवंबर से श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। कार्तिक मेले में झूले चक्री लगाने की ऑफर बीड में कड़ी शर्त और प्रावधान की वजह से झूला चक्री लगाने वालों ने इस बार झूले चक्री नहीं लगाए थे। महापौर के आश्वासन के बाद संचालक झूला चक्री लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब उम्मीद है कि रविवार तक कार्तिक मेले में झूले चालू हो जाएंगे और इस मेले की रंगत जम जाएगी। नगर के श्री गुरुद्वारा साहब पर गुरु नानक देव जी महाराज का 553वां प्रकाश पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके अंतर्गत विभिन्न आयोजन किए गए। श्री अखंड पाठ साहिब की श्री गुरु नानक जयंती पर समाप्ति हुई। उसके बाद ज्ञानी जी रविंद्र सिंह ने संगत को कीर्तन से निहाल किया। कीर्तन की समाप्ति के बाद गुरु के अटूट लंगर का आयोजन हुआ। श्री गुरुद्वारा साहिब पर प्रकाश पर्व के चलते विगत दिनों प्रभात फेरी एवं अखंड पाठ साहिब में जिन परिवारों ने सेवा ली थी, उनके साथ ही महिला इकाई एवं समाज के युवा खालसा ग्रुप का सम्मान भी किया गया। बीती रात पति के साथ बाइक पर ससुराल लौट रही नवविवाहिता की रास्ते में तबियत बिगड़ी। पति उसे पहले उन्हेल फिर उज्जैन के प्राइवेट अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने महिला को मृत घोषित कर दिया। सपना पति दिलीप 21 वर्ष निवासी पिपलिया डाबरी उन्हेल को पति देर रात जिला चिकित्सालय लेकर आया, जहां डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद सपना को मृत घोषित कर दिया। दिलीप ने बताया कि उसकी शादी जनवरी 2022 में हुई थी।